दोस्तों, ना सिर्फ हमारी इंडियन फिल्म्स पाकिस्तान में दिखाई जाने लगी है, बट इवन पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो है वो इंडिया में आकर बॉलीवुड की फिल्मों में काम करने लग गए हैं, चाहे वो बतौर एक्टर्स हो या बतौर सिंगर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड लिरिसिस्ट। और आज ऐसे ही एक सिंगर, म्यूजिक कंपोजर और लिरिसिस्ट हमारे साथ है। फ्रेंड्स, प्लीज वेलकम पाकिस्तानी सिंगर, लिरिसिस्ट, कंपोजर मुस्तफा जाहिद। वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस। थैंक्स लव। तो अब आप बॉलीवुड का हिस्सा अपने आप को मानते हैं कि अभी भी आउटसाइडर ही मानते हैं? आई थिंक आई एम प्रीटी मच पार्ट ऑफ बॉलीवुड नाउ। और ये आपकी फर्स्ट फिल्म के बाद एहसास हुआ या अब जब ब्लड मनी में भी आपने तीन गाने गाए हैं? मेरे ख्याल से ब्लड मनी में तीन गाने गाए। आई थिंक इस फिल्म के बाद कुछ ज्यादा एहसास हुआ, बिकॉज दिस वॉज एक्चुअली माई फर्स्ट प्ले बैक वेंचर। वो तो मैं कंपोजर भी था और आवारापन में फर्स्ट फिल्म में, डेब्यू फिल्म में। सो दिस वाज मोर लाइक अ प्रॉपर प्लेबैक वेंचर फॉर मी, एंड आई थिंक नाउ आई हैव स्टार्टेड फीलिंग एज अ प्लेबैक आर्टिस्ट और एज अ पार्ट ऑफ बॉलीवुड। और आवारापन, उसके बाद ब्लड मनी, इतना लंबा गैप क्यों? आई डिड अ स्मॉल फिल्म इन बिटवीन कॉल्ड रनवे, एंड आई थिंक आफ्टर 2008 दैट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट दैट हैपेंड इन बॉम्बे, आई थिंक उसके बाद कुछ हॉल्ट हो गया था, बट आई थिंक वो जो एक गैप था, इट्स फाइनली यू नो इट्स फिलिंग द गैप, because I personally believe and I think we should believe in the fact ke musicians ke liye koi boundaries nahi honi chahiye. So I think ab dobara it has started and I'm doing a lot of new songs now. Aur ye avarapan mein break kaise mila aapko? Bhatt sahab heard my song over the internet, I think, ya phir kisi ne unko sunwaya tha, and they spoke to me over the phone and said ke we feel ke aapka jo gana hai iske bagair hamari film incomplete hai. So I'll be very happy if you come to India and dub a song for us. And initially we could not believe, because at that point I just started my career in 2005-06. Acha, Pakistan mein aapka career us samay shuru hi hua tha? We just had our debut album released, because I sing for a rock band in Pakistan. So the rock band ka naam? It's called Rosin. रोजन। तो अभी भी वो बैंड चालू है? बिल्कुल, इट इज देयर बैंड, बिल्कुल है वहां पे। और हम लोगों ने भी एल्बम रिलीज ही की थी पाकिस्तान में, तो बॉलीवुड से फिर वी गॉट एन ऑफर, तो वी वर रियली एक्साइटेड कि यू नो वी वुड बी पार्ट ऑफ बॉलीवुड। और अच्छा ये था कि दे अंडरस्टूड कि मेरा एक बैंड है पाकिस्तान में, तो पूरे बैंड को बुलाया। हमारी एक फीचर्ड वीडियो थी इमरान हाशमी के साथ, तो फिर आओ की द रीमिक्स वर्जन, और देन दे हर्ड माय एल्बम एंड फेल्ट कि एक और गाना जो है उसमें बहुत अच्छा उनको लगा। अच्छा, तो बुलाया एक गाने के लिए था, लेकिन दे दिए दो गाने, और वो दोनों गाने आपने ही कंपोज किए थे? जी बिल्कुल। और आपने ही उनके बोल भी आपने ही लिखे? जो हुक लाइन है, जो तो फिर आओ की हुक लाइन है, वो सब मैंने लिखी थी। फिर उसके बाद सईद कादरी ने उसके पार्ट चेंज लिए थे कुछ, और जो तेरा मेरा रिश्ता है वो मेरी हुक लाइन डिफरेंट थी, चेंज द हुक लाइन एज वेल। और फिर जब आवारापन के गाने गा लिए, आपने ऐसा नहीं सोचा कि अब बॉलीवुड में अगर काम करना है तो बॉलीवुड में या इंडिया में ज्यादा रहना पड़ेगा? आई थिंक इनिशियली आई डिड नॉट वांट टू एंड अप एज अ प्लेबैक आर्टिस्ट, और जब मैंने शुरू किया था वेंचर, बिकॉज आई हैड माय रूट्स फ्रॉम अ रॉक बैंड एंड आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ रॉक म्यूजिक, पॉप रॉक म्यूजिक, एंड दैट इज द काइंड ऑफ म्यूजिक जो पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर है, तो वी टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन डूइंग दैट काइंड ऑफ म्यूजिक। तो मैं अपने आप को थोड़ा सा दूर रखता था प्लेबैक से। आई हैड ऑफर्स, बट आई वुड से नो, आई डोंट वांट टू सिंग इट। प्लस मैं बहुत कोशिश करता था कि मेरा बैंड हर प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाए। तो ओवर द इयर्स आई रियलाइज्ड कि आई लॉस्ट सम रियली गुड ट्यून्स व्हिच आई डिड नॉट सिंग, बिकॉज आई वांटेड माय बैंड टू बी पार्ट ऑफ इट। फिर फाइनली वी सैट टुगेदर, हम सब बैंड मेंबर्स बैठे साथ, और वी रियलाइज्ड के इंस्टेड ऑफ इस तरह करियर की बैंड बजाना ठीक नहीं है, सो वी रियलाइज्ड कि सी यू कांट डिनाई द फैक्ट दैट बॉलीवुड इज अ ह्यूज मार्केट, यू नीड टू बी पार्ट ऑफ दिस मार्केट इफ यू वांट टू एक्सेस इंटरनेशनल मार्केट। तो देन वी डिसाइडेड के चलो लेट मुस्तफा डू द सोलो वेंचर्स एज प्लेबैक आर्टिस्ट, बिकॉज इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे आई एम नोन एज द लीड सिंगर ऑफ रोजन बैंड एंड वी वुड परफॉर्म टुगेदर ऑल द टाइम। तो देन वी अंडरस्टूड कि नहीं, प्लेबैक में इट्स रियली हार्ड टू पुश बैंड इन बॉलीवुड, तो चलो लेट मुस्तफा डू दैट एंड वी विल कंटिन्यू एज अ बैंड। और फिर इस फिल्म का ऑफर कहां से आया? मतलब दिस फिल्म वाज डायरेक्टेड, वाज सपोज्ड टू बी डायरेक्टेड बाय वन ऑफ माय फ्रेंड्स, जो मेरे इंडिया में पहले दोस्त बने थे, वो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। तो जब मैं आवारापन के लिए आया था, तो उस टाइम पे ही वाज प्लानिंग टू डू द फिल्म, और वो चीफ एडी थे आवारापन पे, मोहित सूरी के। तो ही वुड ऑलवेज टेल मी के आई लव योर वॉइस एंड वन डे यू नो आई वॉन्ट यू टू बी पार्ट ऑफ माई फिल्म, और ऐसा सब उन्होंने मुझे बोला। फिर आई थिंक कुछ गैप आ गया इतना बड़ा, बट देन वन डे ही कॉल्ड मी और ही सेड कि एक गाना है जो मैं चाहता हूँ आप गाओ, जो ब्लड मनी बना रहे थे, तो आप वो गाना गाओ, और मैं बिकॉज आई ऑलवेज यू इफ यू रिमेंबर आई ऑलवेज मेंशन टू यू कि आई वांट यू टू बी पार्ट ऑफ माय फिल्म। तो मैंने वो एक गाना गाया, देन मुकेश भट्ट कॉल्ड मी एंड सेड कि मुझे ऐसा लगता है कि इस एल्बम में कुछ दो तीन गाने ऐसे हैं जो आप ही गा सकते हो, और आई थिंक दे ट्राइड फ्यू सिंगर्स एंड इट डिडंट वर्क आउट, तो मुझे उन्होंने बोला कि आप गाओ। एंड तो इसमें फाइनली ब्लड मनी में कितने गाने हैं आपके? टोटल 5 गाने हैं ऑन द एल्बम एंड आई हैव संग 3 ऑफ देम।
out of five. So they said, we want you to be voice of the album. Aap is album ki voice bano, which was very exciting for me because I can't remember when I have heard someone from Pakistan being voice of an album in Bollywood. Jab Mumbai aap aate hain Bollywood ke gaano ki recording ke liye, tab agar aapke show hote, aapke band ke shows hote hain, to then how do you divide your time or you have to let go of some shows? Karne padte hain. Sometimes you have to let go of the shows because we do a lot of shows in Pakistan. And kitne ho jate hain shows? Usually we do 7-8 shows every month in Pakistan. Aur aapke band mein kitne members hain? Hum log 3 log hain. Heather is on the lead guitars and then I have Shahan who's on the rhythm guitars. Aur 2 session players hain band mein. So it's basically 3 boys plus 2 session players. So live lineup mein we are 5 boys. ओके और ये बैंड का शौक मतलब म्यूजिक का शौक आपको बचपन से ही था? नहीं मैं अपने कॉलेज में डिबेटर था. अच्छा. डिबेट्स किया करता था स्कूल कॉलेज में. फिर डिबेट्स करते करते जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो कोई वहां पे ऐसा लड़का नहीं था या लड़की नहीं था जो होस्ट कर सकता सिंगिंग कॉम्पिटिशन. तो मैं बिकॉज डिबेट्स करता था तो मुझे टीचर ने बोला कि आप सिंगिंग कॉम्पिटिशन होस्ट कर दो. तो मैं सिंगिंग कॉम्पिटिशन होस्ट करना शुरू हो गया. तब तक सिंगिंग में कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं, नहीं, नहीं थी. मैंने कभी नहीं गाया था. इवन दो मैं कैराओकेस में भी नहीं गाता था. मुझे लगता था मेरी आवाज बहुत बुरी है. फिर मैंने आई रिमेम्बर सिंगिंग कॉम्पिटिशन था तो द जजेस गॉट लेट. तो क्राउड बहुत ज्यादा अनईजी था, शोर मचा रहे थे सब. तो टीचर ने कहा कि just sing something on stage, and I said, sir, I've never sung. What do I sing? And then I remember I sang first song ever on my life was Bigi Bigi Raaton Mein Phir Tum Aona by Adnan Sami. Adnan Sami, huh? I sang it and everyone was like, you know, you did a good job. I think you did a fair good job. Even though पूरा नहीं गाया, एक लाइन गाई, but a lot of teachers, तो मुझे ऐसा लगता था जान के बोल रहे हैं कि अच्छा गाया है, क्योंकि you know I just did it because of them. But then I used to write my stuff before that. मैं लिखा खुद खरीदता था debates भी और ऐसा कुछ ना. तो फिर उस time पे मुझे बहुत से दोस्तों ने motivate किया कि I think you should give a try in music. और फिर मैंने कहा अब तो मैं करूंगा. So music just happened by chance. By chance. It wasn't as if कि बचपन से music का शौक है and you're a musical minded person. Family में कोई music का शौक रखता है? Yes, my cousin is the lead vocalist of the Junoon band Ali Azmat. अच्छा अली अजमत आपके कजन जी है? मेरे कजन ब्रदर है वो. और गजल के पाकिस्तान के बहुत मशहूर सिंगर रह चुके हैं अनायत हुसैन भट्टी साहब. तो वो मेरी अम्मी के फुफा हैं, मतलब अम्मी के अंकल लगते हैं. अंकल जी. ओके. तो कहीं ना कहीं फैमिली में थोड़ा बहुत तो बिल्कुल जीन्स में है मतलब. हाँ जी. इनफैक्ट हम फैमिली फंक्शन में मैं अली को देखा करता था गाते हुए. वो तो बड़ा मजा आता था देख के. बट कभी सोचा नहीं था आई वुड एंड अप एज अ सिंगर. बट आई थिंक आई टुक अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन आउट ऑफ हिम टू. पाकिस्तानी सिंगर्स की बात की जाए तो आतिफ असलम का नाम सबसे पहले लोगों के जहन में आता है, लोगों के दिमाग में आता है, बिकॉज शायद उन्होंने एक ऐसी छाप छोड़ दी है विच वुड बी डिफिकल्ट फॉर अ पाकिस्तानी सिंगर टू रीच. आपको ऐसे लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि जो छाप अगर वाकई किसी ने छोड़ी है वो राहत फतेह अली खान साहब हैं, जिसको आई डोंट थिंक सो के एनीवन कैन. अच्छा, नॉट आतिफ असलम? नॉट एट ऑल. आई थिंक राहत साहब इज वन पर्सन आई थिंक जिनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं, मुझे नहीं लगता कि होगी. यस, आतिफ इज अ गुड सिंगर. ही हैज डन फेयर इनफ फॉर हिमसेल्फ. आई माय सेल्फ इज अ बिग फैन ऑफ राहत. तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज द काइंड ऑफ अचीवमेंट एक आर्टिस्ट को अचीव करनी चाहिए. और उसके लिए आपकी मतलब कोशिश है टू रीच दैट पोजिशन? 100% है. आई डू वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ म्यूजिक. मैं वो क्लासिकल म्यूजिक नहीं करता, मैं पॉप रॉक करता हूँ. बट डाउन द लाइन नाउ आई स्टार्टेड रियलाइजिंग के आपको अपने आप को एक बॉक्स में बंद नहीं करना चाहिए. आपको और डिफरेंट जॉनर्स भी एक्सप्लोर करने चाहिए. और दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड जैमिंग विद क्लासिकल सिंगर्स. तो मैंने पाकिस्तान में एक क्लासिकल टीचर रखे जो कि जिनके साथ जो मुझे सिखाते नहीं थे, मैं उनके साथ गाया करता था हारमोनियम पे. बिकॉज हम लोग शुरू से ही गिटार्स और ड्रम्स और कीबोर्ड्स इन चीजों पे गाते हैं. तो वो मुझे हारमोनियम और इन चीजों का कोई आइडिया नहीं था. एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड जैमिंग ऑन हारमोनियम तो मुझे रियलाइज हुआ कि देयर इज अ लॉट मोर इन टू म्यूजिक जिससे हम ना वाकिफ थे, जो हमें नहीं पता था वो क्या है. तो आई थिंक वो एक जॉनरा नया है जो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ एंड आई वॉन्ट टू सिंग इन देयर एंड आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस इट. और बैंड का हिस्सा होना, आई मीन हाउ पेइंग इज इट एज अ प्रोफेशन? इट्स सी इफ यू हैव क्लिक्ड, इफ यू हैव डन वेल इनफ तो इट पेज यू वेल. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, वी कीप ऑन डूइंग शोज ऑल ईयर लॉन्ग. इवन दो मतलब साल में करीब 40-50-60, हाँ इससे ज्यादा भी कई दफा हो जाते हैं. ओके. एंड देन वी डू इंटरनेशनल टूर्स, सो ऑफ कोर्स इट पेज अ लॉट ऑफ मनी टू. बट आई थिंक 2009-10 वाज थोड़ा सा डाउन था बिकॉज म्यूजिक इंडस्ट्री भी कुछ सिक्योरिटी रीजंस पाकिस्तान के ऐसे हो गए थे, कुछ म्यूजिक इंडस्ट्री पे भी एक डाउनफॉल आ गया था. टेलीविजन पे टू मच पॉलिटिक्स एंड न्यूज चैनल जो थे वो कुछ ज्यादा एयर टाइम उनका हो गया था. बट आई थिंक इट हैज स्टार्टेड टू चेंज नाउ एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई आई सेड कि आई वांटेड टू बी पार्ट ऑफ प्लेबैक सिंगिंग देन, बिकॉज
जब आपको नजर आता है कि यार दिस इज नॉट गेटिंग मच एयर टाइम ऑन टेलीविजन, इवन इन इंडिया आई हैव नॉट सीन एनी पॉप वीडियोस ऑन टेलीविजन, इट्स जस्ट बॉलीवुड, बॉलीवुड के गाने। बॉलीवुड इतना बड़ा हो चुका है कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, और उसकी वजह से बाकी सब इग्नोर हो गया। तो आई थिंक फिर एक आर्टिस्ट जब देखता है कि यू नो दिस इज द स्कोप, दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव, तो ऑब्वियसली इसमें वेंचर करना पड़ता है फिर। और बॉलीवुड में और काम पाने के लिए जरूरी होता है कि आप एक सेक्रेटरी रखें, एक एजेंट रखें, या आपके नाम से फिर फोन्स आते हैं और आप आ जाते हैं, किस तरह, हाउ डज इट वर्क? अभी से पहले तो ऐसा था कि मेरा पाकिस्तान में ही मैनेजर था, हु वुड टेक केयर ऑफ मी, बट नाउ आई हैव सम वेरी गुड गाइज ओवर हियर, देयर इज अ बॉय कॉल्ड संजय एंड महेश, टू ब्रदर्स, आई थिंक आई हैव स्टार्टेड जस्ट स्टार्टेड वर्किंग विद देम, एंड आई हैव फेल्ट नाउ ऑनेस्टली कि यू नीड समवन टू बी हियर, बिकॉज यहाँ पे गाने मिलना तो इट्स नॉट अ बिग डील, वो तो आप अप्रोच कर सकता है कोई आपको पाकिस्तान में भी। शोज के लिए इट्स वेरी हार्ड फॉर समवन इन इंडिया टू ट्रस्ट समवन बैक इन देयर, बिकॉज उनको नहीं पता हम किससे बात कर रहे हैं, दे नेवर स्पीक टू द आर्टिस्ट, सो दे स्पीक टू द मैनेजर्स, और फिर बीच में इतने लोग आ जाते हैं कि कई दफा मिसकम्युनिकेशन हो जाती है यार। तो I think I honestly believe के होना चाहिए आपका एक representative India में who would take care of your shows. और अब Blood Money के बाद कोई और film पे काम करने का मौका मिला है? Yes, I have composed and sung for Sanjay Gupta for his new film. अच्छा, shoot out at वडाला? जी बिल्कुल। कितने गाने गाए हैं उसमें? One song by now it's confirmed. Inshallah we are doing it and it's a fabulous. अच्छा, you've not yet recorded? It's pretty much done. We are just in final recording. Yes, that's going to happen next month, inshallah. Okay. So I think that is one project I'm really looking forward to because I'm a huge fan of Sanjay Gupta. Acha, unki kaun-kaun si filmein dekhi hain? Maine zyada dekhi nahi, Kante dekhi thi because I loved the music. Then I saw Musafir because one more time the music was fabulous. Correct. Phir when I was in talks for Shootout at Wadawala. तो वडा वाला, राइट? वडाला तो मैंने वो देखी थी जो इसका लोखंड वाला बिल्कुल। ओके तो व्हाट डू यू लाइक अबाउट संजय गुप्ता फिल्म्स? आई थिंक देयर इज समथिंग अबाउट द फिल्म्स जो जिस तरह लाइक आई सेड कि मुझे एक होता ना हम लोगों का योनरा पॉप रॉक, इट्स अ डार्क योनरा जिसमें आप जो दिल किया किसी ने आपको कहा नहीं कि यार ये बिकेगा ये करो। अच्छा, तो वही स्टाइल ही हैज, दैट इज व्हाई आई कैन रिलेट टू हिम, कि वो भी वही करते हैं एक डार्क से योनरा में, जो दिल किया ये नहीं कि बिकेगा नहीं बिकेगा, एंड दैट इज व्हाई आई लाइक हिम। और महेश भट्ट की कौन सी फिल्म है? बिकॉज महेश भट्ट की तो फिल्म मेकिंग फैक्ट्री है, साल में चार पांच छह फिल्में हैं, तो और कोई फिल्म में गाने गाने का प्रॉमिस? सॉन्ग जी, आई हैव डब्ड अ सॉन्ग जस्ट नाउ थोड़े दिन पहले, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी पार्ट ऑफ राज 3। ओके, राज 3। मुस्तफा जी, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट का रोल क्या होता है? आप जैसे आर्टिस्ट जब बॉलीवुड में काम करने के लिए इंडिया आते हैं, इज देयर एनकरेजमेंट और इज देयर एब्सोल्युटली अ कोल्ड रिस्पॉन्स, या व्हाट इज इट? गवर्नमेंट आई थिंक हैज ऑलवेज बीन सपोर्टिव, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमें मना किया जाए या बोला जाए ऑफिशियल्स की तरफ से कि आपने ये नहीं करना। हाँ, सोसाइटी में आपको पता हर तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग अपोज करते हैं, कुछ लोगों का ये पॉइंट होता है, समटाइम्स यू गो टू रेडियो स्टेशंस और टेलीविजन स्टेशंस, तो अ लॉट ऑफ पीपल क्वेश्चन कि आप पाकिस्तान में सिर्फ क्यों नहीं गाते, व्हाई डू यू गो टू इंडिया एंड सिंग, बट देन अगेन देर आर लॉट ऑफ पीपल आउट देयर हु आर एक्चुअली वेरी प्राउड कि हमारे सिंगर्स आर पार्ट ऑफ द बॉलीवुड फिल्म, बिकॉज देर इज नो डिनाइंग कि हमारी फिल्म आपकी फिल्म बहुत पॉपुलर है पाकिस्तान में। So I think over the years it has become balanced now ke hamara music is area mein bahut popular ho gaya aur films wahan bahut popular hain, aur since we don't have a film industry really in Pakistan, if you look at the picture I think saal pichle 5 saal mein shayad do films aisi bani hai jo noticeable thi, one was Khuda Ke Liye and one was Bol. To ye do filme 5 saalon mein industry revive nahi kar sakti, and jab do filme 5 saalon mein banengi to kitne artist usme gayenge aur kya karenge, to you know you need to understand from an artist point of view ke hame kuch na kuch karna hai, nayi cheeze explore karni hai aur gana hai. Aur pehla gana jab aapne gaya Bollywood mein, tab were you nervous or excited? मैं बहुत नर्वस इसलिए था बिकॉज हमने बचपन से सुना था महेश भट्ट, मुकेश भट्ट और इनकी मेरे हमें तो खैर बहुत छोटे थे तब, बट माय मम वाज अ ह्यूज फैन ऑफ हिज फिल्म्स। जख्म उनकी एक ऐसी फिल्म है आई थिंक जो पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर है, उसके गाने और सब कुछ, और मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड था पूजा भट्ट से मिलने के लिए, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन, यस आई वाज अ ह्यूज पूजा भट्ट फैन, तो मैं बहुत सुपर एक्साइटेड था इस बार सारे सिनेरियो को लेके, बट मैं बहुत कंफर्टेबल इसलिए था कि तो फिराओ वाज माय फर्स्ट कंपोजिशन एवर, जो मैंने अपनी लाइफ में पहला गाना बनाया था, इट वाज तो फिराओ। ओह, सो यू नॉट ओनली रेंडर्ड योर लेंथ योर वॉइस बट यू आल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम कंपोज्ड द ट्यून। यस, तो वो मैं बहुत श्योर था कि यू नो आई वुड एक्चुअली पुल इट ऑफ, और आई थिंक जो एटमोस्फेयर था स्टूडियो का, द काइंड ऑफ कंफर्ट आई वाज प्रोवाइडेड विद वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, और आई थिंक द सॉन्ग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, द सॉन्ग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। आई डोंट नो इतना कंफर्ट आपको इस स्टूडियो में लग रहा है कि नहीं, बट वो वापस दोहराई जाए बात, गाना गाकर सुनाइए।
फिर आओ मुझको सताओ, तो फिर Fantastic. मुझे ऐसा लगता है मैं एक डीप ब्रेथ खींचू. यू सिंग एट सच अ हाई पिच, इट्स वंडरफुल, वंडरफुल. तो ये जो ब्लड मनी वाला गाना है, एक गाना वापस हो जाए. ओके. जो तेरे संग काटी रातें जिए जो हंसी लम्हे, जो तेरे संग बांटी बातें बुने जो हंसी सपने, वो तो है अभी वही खड़े बनके सवाली, देखे हैं तेरा रास्ता होंठों पे लेके शिकवा, वो घर क्यों भूल गए, तोड़ गए, छोड़ गए जन्नत जो था. जो तेरे संग काटी रातें जिए जो हंसी लम्हे, जो तेरे संग बांटी बातें बुने जो हंसी सपने. Wonderful, lovely, lovely. और जिस बैंड का आप हिस्सा है उसमें आपका सुपर हिट फेवरेट गाना जो पाकिस्तानी क्राउड्स को या इंटरनेशनल क्राउड्स को एब्सोल्युटली दीवाना बना देता है, वो कौन सा है? दिस सॉन्ग जो तेरा मेरा रिश्ता था, इसका एक ओरिजिनल वर्जन था आना जाना, दैट आई विल सिंग बिकॉज आई वांट पीपल टू नो के दिस वाज एक्चुअली द ओरिजिनल. ओरिजिनल, अच्छा. से कहूं कुछ बता, सह नहीं पाता हूं अब जीना चाहता हूं, क्या है ये मेरी सजा, ना जाना ना कर जाना ना कर
वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो. तो दोस्तों, ये थे मुस्तफा जाहिद. जैसे ये गाने में कह रहे थे, आ भी जाओ आ भी जाओ, आ तो चुके हैं ये, बस अब ज्यादा से ज्यादा फिल्मों में गाना गाना है. एम आई राइट? वेल फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे.